फाइनली दोस्तों टीवीएस ने अपनी अपाचे RR310 को अपडेट करके दो नए वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है और आज मैं आपको इन्हीं दोनों अपडेट वेरिएंट के बारे में बात करने वाला हूं कि टीवीएस ने क्या चेंजेस किए हैं दोनों ही वेरिएंट में, क्या आपको कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्या आपको इंजन चेंजेस देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, सारी जानकारी की बात करने वाला हूँ। थोड़े पावर और टॉर्क में भी चेंजेस हुए हैं दोस्तों, काफ़ी सारी चेंजेस बाइक में हुई हैं। तो नए प्राइस क्या रखे गए हैं दोनों वेरिएंट के, तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी और चेंजेस देने वाला हूँ इस बाइक के बारे में कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है, छोटी सी वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि आप हमारी ऐसी बाइक से रिलेटेड मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बाइक आपको तीन नए कलर ऑप्शन के साथ मिलेगी दोस्तों, जिसमें आपको मिलेगा रेड कलर, वो भी काफ़ी ज़्यादा पहले से आता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा रेड स्पोर्ट कलर जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है दोस्तों। सेकंड कलर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बॉम्बर ग्रे, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कलर माना जाता है दोस्तों, वो अब आपने देखने को मिल जाएगा इस टीवीएस की RR310 में, जिसका नाम है बॉम्बर ग्रे दोस्तों कलर, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कलर है दोस्तों। और तीसरे कलर की जो बात करूँ वो है रेस रेप्लिका, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है, इस कलर को आप कस्टमाइज करा सकते हैं, 7,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लुक और डिजाइनिंग है वो सेम पहले की तरह आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपको सेम RR310 में पहले की तरह लुक और डिजाइनिंग आती थी वही आपको देखने को मिल जाएगी। लुक और डिजाइनिंग में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, लाइटिंग सेटअप आपको जो पहले देखने को मिलता था वही आपको सेम लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा। और चेंजिंग की बात करता हूँ तो इस बाइक में अब आपको एरोडायनेमिक विंगलेट देखने को मिल जाएंगे और इंजन परफॉर्मेंस इसकी 11% तक बढ़ा दी गई है। एंड क्या बढ़ा दी गई है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इसका जो एयरबॉक्स है ना उसको 13% तक इंक्रीज कर दिया गया है, यानी बड़ा कर दिया गया है, और इसकी पिस्टन वेट जो है 10% तक लाइट यानी हल्का कर दिया गया है दोस्तों। वीडियो में आगे तीनों चीज़ों की डिटेल में बात करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा सा भी मिस मत करना दोस्तों। एंड दोस्तों अब इस बाइक में आपको क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इस बाइक में आपको कार वाला एक फीचर भी देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं TPMS, जो इनकी RTR310 नेकेड वर्जन में आती है ना उसमें आपको TPMS देखने को मिलता है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, दोनों टायर में कितनी हवा है आपको मीटर कंसोल में ही पता चल जाएगी दोस्तों, जो कि अब आपको अपाचे RR310 में भी देखने को मिलेगा ये फीचर। साथ ही साथ इसमें आपको क्रूज कंट्रोल वाला फीचर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको सुपर बाइक्स में देखने को मिलता था, इनकी RTR310 में भी आपको देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन अब से आपको RR310 में भी देखने को मिलेगा। बाकी आपको ट्रांसपेरेंट क्लच कवर देखने को मिलेगा, जिसको आपको अलग से आफ्टर मार्केट में कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा आता है, आपको लगवाना पड़ता था, लेकिन अब आपको TVS ही दे रही है दोस्तों ट्रांसपेरेंट क्लच कवर। अब बात कर रहा हूँ नेक्स्ट चेंजिंग की, तो दोस्तों अब इस बाइक में आपको व्हीली कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, व्हीली कंट्रोल भी अब इस बाइक में एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिलता था दोस्तों। बाकी सारे जो फीचर्स है वो आपको पहले से अपाचे RR310 में मिलते आ रहे हैं। तो ये थी दोस्तों इसकी फीचर्स जो आपको अब से इस बाइक में अपडेट में दोनों वेरियंट में, यानी तीनों वेरियंट में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेता हूँ कि इसमें आपको टॉर्क क्या देखने को मिलेगा, इंजन में क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है ना वो आपको 29 न्यूटन मीटर टॉर्क अब देखने को मिलेगा दोस्तों, ये इंक्रीजमेंट हुई है इसके टॉर्क में। और बात करूं इसके PS पावर में, तो 30 SPS पावर की ये पावर जनरेट करके देगा ये इंजन दोस्तों। बात करूं स्पीड गियर की, तो इसमें आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स तो आता ही आता है पहले से। और प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ दोस्तों कि इन तीनों ही वेरियंट की आपको क्या प्राइस पड़ेगी, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको थोड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा, आई होप आपको मैं समझाऊँ तो समझ में आ ही जाएगा दोस्तों। चलिए प्राइसिंग की बात करता हूँ, तो इस बाइक का प्राइस इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि रेसिंग रेड कलर जो आपको प्राइस रखी गई है उसकी 2,75,000 रुपये एक शोरूम है दोस्तों। बट इसमें आपको क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलेगा, अगर आपको क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको 2,97,000 रुपये एक शोरूम पड़ने वाली है ये RR310, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको दो किट देखने को मिलती हैं जो आपको एक्स्ट्रा से पड़ेंगी। एक जो किट है वो है डायनेमिक किट, जिसकी प्राइस है 16,000 रुपये, जिसमें आपको तीन एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपको एडजस्टेबल फ्रंट और रियर सस्पेंशन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ TPMS देखने को मिलेगा, जो कि मैंने टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम आपको बताया था, दोनों टायर में कितनी हवा है बता देगा, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड एक चीज़ और मिलेगी, ब्रास कोटेड चेन ड्राइव आपको देखने को मिलेगी, ये तीन चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी इस वेरियंट में। बाकी मैं बता देता हूँ, उसमें पहली जो किट थी वो तो मैंने आपको बता दिया डायनेमिक किट थी वो, लेकिन अब जो किट के बारे में बात करने वाला हूँ वो सेकंड किट है, जिसका नाम है डायनेमिक प्रो किट, जिसकी एक्स्ट्रा प्राइस है 18,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने मिलेंगे। उसमें आपको क्या क्या
फीचर्स मिलेंगे उसकी तो लाइन लगी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें आपको 18,000 रुपये पे करने के बाद डायनेमिक किट प्रो किट लेने के बाद आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो मिलेंगे वीडी कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल, रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपको बहुत बड़ी बता दूं दोस्तों, इनकी जो अपाचे आरटीआर 310 नेकेड जो आती है ना उसमें ये सारे फीचर्स एड ऑन पहले से हैं दोस्तों, जो कि अब आपको आरआर 310 में भी देखने को मिल जाएंगे। बस उसमें आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे और ये सारे फीचर्स उस बाइक में भी अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर जाना। और ये बाइक किसे किसे पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और वाइब्रेशन कंट्रोल की जो प्रॉब्लम थी वो भी आई होप अब सॉल्व हो चुकी है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर जाना दोस्तों। और कोई भी सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी बाइक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं लेता हूँ इसी के साथ विदा, हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।